रहना है तो सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा। यार ये डायलॉग मेरे को ना रात से मेरे दिमाग में चल रहा है, रहना है तो सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा। एंड बहुत मजा आ गया यार। आप सबने भी देखा यार, जान सारे ही बदतमीजी कर रहे हैं, कोई इंग्लिश में बदतमीजी कर रहा है, कोई पता नहीं केड़ी लैंग्वेज बिहार में बदतमीजी कर रहा है, कोई मराठी में बदतमीजी कर रहा है, हरियाणा पंजाब वाले बदतमीजी करने लग गए तो मुद्दा बन गया। याद से गुड इवनिंग गाइस। बस आज कहीं नहीं यार, घर पे बिल्कुल रिलैक्स चल रहा था। एक मिनट रुको गाइस, तेनू पता देखदा की है चश्मा ला के चपेटा मारू कि चश्मे तो बाद चपेट पैन तो बाद भी चश्मा उतर सकता। नो गाइस। सो गाइस रील बनाने लग गया था इंस्टाग्राम के लिए, जो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं करते वहां पे भी जाके फॉलो करें, ठीक है जी। एंड भाई नॉमिनेशंस देखी मैंने, अभी तो एपिसोड आएगा अच्छी तरह, सिर्फ मैंने उतना सा क्लिप देखा। भाई नॉमिनेशन का रीजन क्या दिया कि फलक मुझे पसंद आ गई है और अविनाश बीच का कांटा है, इसको निकालना चाहता हूँ। किसी ने नहीं सोचा था कि यार इस तरह का रीजन कोई बंदा दे सकता है, समझ रहे हो। एंड भाई इसको बोलते हैं यार एंटरटेनमेंट यार, मतलब आप समझ रहे हो, फितूर नहीं उतर पाना चीज का, मतलब जैसी अच्छी अच्छी फिल्में होती हैं उनके गानों का फितूर नहीं उतर पाता दिमाग से, समझ रहे हो, ऐसा से एंटरटेनमेंट होना चाहिए। और सबसे बेस्ट लाइन तो मुझे ये लगी, रहना है तो सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा। ओए यार मैं तो फिर से यही बात बोलता हूँ, इंग्लिश में बदतमीजी करो वो माफ, मराठी में बदतमीजी करो वो माफ, बिहार लैंग्वेज में बदतमीजी करो वो माफ, हरियाणा पंजाब वाले बदतमीजी करे पता नहीं क्यों गुनहगार बन जाते हैं, मुझे तो ये नहीं समझ में आता। मानते हैं हमारी जो लैंग्वेज है थोड़ी रूड है, लेकिन यार हमारे भी इमोशंस हैं यार, सब अपनी अपनी लैंग्वेज में बदतमीजी कर सकते हैं, तो हमें क्या हो गया भाई। और यार वोट करो, सपोर्ट करो, बंदा अपना ही जीतना चाहिए, समझ गए। पहले मेरे को लगता था कि यार अभिषेक कुछ बंदा है थोड़ा देसी, बट हमें तो ना पता था बिग बॉस ला के पैरामीटर इतना ऊपर सेट कर देगा कि इससे भी ऊपर का बंदा हमें देखने को मिलेगा। हमने तो एलविश को सिर्फ व्लॉग्स में देखा ना भाई, यहाँ पे तो 24 घंटे देख रहे हैं। व्हाट अ मैन यार, व्हाट अ मैन, क्या दिमाग है भाई। सीधी सी बात, इतने फॉलोअर्स हैं, इतने सब्सक्राइबर्स हैं, वो इसी वजह से हैं, उसमें कुछ बात है भाई, समझ रहे हो। चलो गाइस जिम जा रहा हूँ, जिम जाके फिर देखते हैं क्या प्लान बनता है, क्या सीन बनता है। एंड बाकी इतने रश तो इतों ही शुरू हो गया रश अज, नहीं हाँ नहीं, बस गाइस जिम चलता हूँ, आज जिम की वीडियो भी बनाऊंगा, आप सबको दिखाऊंगा भी। एंड रहना है तो सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा। सिरा यार सिरा ब्रो, सिरा यार, मजा आ गया यार। चलो गाइस चलते हैं। We'll be right back.
सो गाइस जिम तो हो गया है एंड आज मैं जिम जाने से पहले ही प्रोटीन पी के गया था एंड फिर उसके बाद प्री वर्कआउट। आज थोड़ा स्टेबिलिटी लग रही है, आज कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं लग रही मुझे। एंड बस अभी मेरे को ओट्स खरीदने हैं, ओट्स नहीं मोस्टली खरीदनी है ना, फिर वो खा के फिर उसके बाद खाना खुना खाएंगे 9 बजे 9 साढ़े 9 बजे। एंड बिग बॉस भी देखेंगे, देखते हैं। आज तो मेरा यार कहीं भी जाने का मन नहीं है, मेरा दिल कर रहा बस घर पे बैठूं वो लगा के। कितने बजे लाइट नहीं दी थी साले ना होने था। अगर गाड़ी वाला बंदा कोई अपना क्या नाम है सिग्नल तोड़ दे ना कुछ कर दे, तो स्कूटर वाले तो इदा घूरते जिदा पता नहीं की गल कर, हूँ आप बिच वजन लगे से की कहना दसो। चलो गाइस अब पहले मैं मोस्टली खरीदूंगा फिर मिलते हैं आप सबसे। सो गाइस ये देखो अंधा धुन बारिश चल रही है और अंकल के पास आए थे डोसा खाने एंड ये देखो क्या माहौल बन रखा है। इतनी ज़्यादा बारिश है ना, थोड़ा कैमरे के लिए शीशा करता हूँ मैं नीचे, ये देख रहे हो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। डोसा खावांगे नज़ारा होगा अंकल दे कोल हुण, मैं कहा चलो डोसा खाते हैं बारिश हो रही है, कुछ कड़क खाने का मन था यार। सो गाइस ये देखो डोसा आ गया बन के बढ़िया, अब नज़ारा आएगा खा के। ये जो बंदा खड़ा है ना, पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, ये देखो ये वाला बंदा, ये वाला जुम्मा सिर्फ 35 से डिग्री 33 पे हुआ है और ये बंदा हाथ सेकने लग गया सिगड़ी पे, ये देखो। नहीं कितनी ठंड होगी भाजी बाहर दस्यो? 32 डिग्री। ये देखो खोल देते हैं फिर। नहीं नहीं वो सुनेगा ना फिर, पब्लिकली भी नहीं होना होना। तो गाइस एक चीज देख रहे हो मतलब बाहर का जो टेम्परेचर है ना वो जुम्मा 1 डिग्री गिरा होगा। मैं बताता हूँ 33 डिग्री का 32 डिग्री हुआ होगा और ये बंदा देख रहे हो आप, ये देखो रुको शीशा खोल के दिखाता हूँ आपको, ये डोसा भी आ गया। ये देखो हाथ सेकने लग गया बंदा, आके हाथ सेकने लग गया यार। बताओ ये देख रहे हो कितनी मतलब कितनी ठंड पड़ गई होगी यार। सो गाइस इधर आए हुए थे, फिर डोसे के बाद लगा कि चाय पीनी चाहिए एंड फिर मैं ऑडी वाली जो चाय है लोखंड वाला की बैक साइड वहाँ पे आया, मैं कहा चल चाय पीने हैं, तो भाई ने कड़ा पाया हुआ सी, मैं कहा भाई पंजाब तो, कहता हाँ जी, मैं कहा कितों, कहता मलेरकोटले तो, मैं कहा वेरी गुड, मैं कहा मैं हुशियारपुर तो, आपा पंजाबी हैं तो बई गलबात हुई वधिया, पूरा पंजाबी सिस्टम एंड बहुत वधिया लग्या यार। बंदे ने ऑडी ते चाह लाई हुई है, मैं कहा यही पंजाब हुंदा तुहानूं लोकां ने मतलब निंद के तुहाडा काम बंद करा देना सी, लेकिन ये बंबई शहर है सब नूं बहुत तरक्की दिंदा है, बहुत पैसे दिंदा है, तो कैंट काम हो गया तो बहुत बढ़िया चाय चल रही है भाई यहाँ की। एक चाय उसकी चाय बहुत अच्छी है एंड फिर यहाँ पे एक नगोरी वाले बंदे हैं उनकी चाय बड़ी मशहूर है एंड अभी चाय पी तो मैं कहा यार मज़ा आ गया कि नहीं शुभम? अरे एक तरफा भाई बहुत बढ़िया चाय थी, मैं कहा इतना मज़ा आ गया चाय पी के। तो जो कोई भी बंदे हैं बम्बई से लोखंड वाला की बैक रोड पे आन यहाँ पे चाय पिए और टेस्ट देखे पहले चाय का, और कप भी आपको जो इतना स्ट्रॉन्ग कप दे रहे हैं ना, मतलब कहने का मतलब वो कप्पी नहीं दे रहे, कटिंग वाली कप्पी नहीं दे रहे, तानू वो कप दे रहे हैं, तानू फील आएगी चाय पी के ब्रदर्स। तो चलो गाइस फिर मारते हैं गेड़ी ते मिलते हैं तानू फिर। क्या बोला था? यही बोला था ना कि जब कोई पंजाब हरियाणा वाली कोई बदतमीजी करता है तो उसका मुद्दा बना दिया जाता है। अब बेबिका ने अभिषेक को बदतमीज बोला, फलक बिल्कुल बाजू में खड़ी हुई थी, कोई रिएक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, समझ रहे हो? एटलीस्ट अगर आपके लिए कि कोई ना बोला तो अगर आप ये दम रखते हो कि यार वो चीज बदतमीजी में आई गई है तो आप तो स्टैंड लो। अब फलक ने खुद नहीं स्टैंड लिया, समझाया तक नहीं, उसके सामने 3 बार बोला, तो समझ रहे हो टारगेट, समझो कि टारगेट चल क्या रहा है। मैं भी खुद देख रहा था और मैं खुद हैरान हो गया। तो ऐसे ऐसे करके सिस्टम चल रहा है, पता सबको चल गया है कि इस एल्विश के आने के बाद सिस्टम सबका टाइट हो गया है, सिस्टम सीज हो गया है, सिस्टम हैंग हो गया है, और ऐतकी उसने सिस्टम पूरा शट डाउन करके चले जाना है और इनसे होना कुछ नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ शुक्र है ऐसा सा बंदा बिग बॉस में डाला है, शो को सुपरहिट कर दिया, मरे बंदों में जान डाल दी, इससे बढ़िया और चीज क्या हो सकती है। तो मैं तो उनके पैर धो धो के पीने चाहिए भाई। सो गाइस एपिसोड खत्म हो गया है, लाइव देख रहा था एंड अभी बेबिका को अविनाश ने बोला होगा कि मैं लड़कियों के साथ ऐसे ही लड़ता हूँ जैसे मैन टू मैन लड़ता हूँ या लड़ा करता हूँ।
एंड फिर ये देख रहे हो बात, एल्विश पूरा ऑब्जर्व करके आया है कि भाई ये बंदा ना जो लड़कियों के साथ ही लड़ता है, बंदों के बारे में ये चुप हो जाता है। एंड यार देखा जाए तो कह लो कि घर की रौनक है ये एल्विश, समय जान फूंक दी इस बंदे ने, ठीक है जी। बाकी जो इसके पंच लाइन है भाई, वो बड़े कमाल के होते हैं, बहुत ज़्यादा कमाल के इसके पंच लाइन होते हैं। एंड भाई ओवरऑल मज़ा आता है इसको देख के। एंड बाकी आज अपन मैनिफेस्ट करना भूल गए थे, मैनिफेस्ट करते हैं अपन सब। एवरीथिंग इज गोइंग वेल, माई ब्लॉग्स आर डूइंग गुड, माई रेवेन्यू इज डूइंग गुड, माई बिजनेसेस आर गोइंग गुड, आई एम डूइंग ग्रेट, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम फिट एंड द फिटेस्ट, एंड एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन, एंड रीजन इज ओनली द बेस्ट थिंग। मतलब कोई चक्कर वाली गल नहीं, जो वधिया ही हो। सो गाइज इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, फिर मुलाकात होगी आप सबसे कल। लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें।